हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सरफेस प्लेट की स्टडी की थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे वी ब्लॉक की, और इस वीडियो में हम जानेंगे वी ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन, वी ब्लॉक के टाइप्स, वी ब्लॉक के ग्रेड्स एवं उपयोग के बारे में। एक बात और याद रखें कि इस वीडियो में हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत। आइए स्टार्ट करते हैं। ये टूल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है वी ब्लॉक। इसका यह नाम इस ब्लॉक पर बने हुए वी शेप के कारण होता है। जब किसी गोल या बेलनाकार जॉब कर कोई मार्किंग क्रिया करनी हो या कोई मशीनिंग क्रिया जैसे कि ड्रिलिंग आदि करना हो तो आवश्यकता होती है उस जॉब को पकड़कर रखने की, और इस कार्य के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। वी ब्लॉक में बने इस वी ग्रूव में जॉब को रखकर एवं क्लैंप द्वारा कसकर आसानी से मार्किंग एवं मशीनिंग क्रियाएं की जा सकती हैं। तो वी ब्लॉक का प्रयोग है मार्किंग एवं मशीनिंग क्रियाएं करने के लिए गोल एवं बेलनाकार जॉब्स को पकड़कर रखना। वी ब्लॉक मुख्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसके साथ साथ वी ब्लॉक माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील के वी ब्लॉक की सतह को कठोर बनाने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। आइए अब जानते हैं वी ब्लॉक की संरचना के बारे में। वी ब्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है यह वी ग्रूव। इस वी ग्रूव पर ही जॉब को रखकर मार्किंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। इस वी ग्रूव पर जॉब को रख के इसे क्लैंप द्वारा टाइट करना होता है ताकि जॉब वी ब्लॉक में मजबूती से जमा रहे। इस वी ग्रूव का कोण 90 डिग्री होता है। आपको यह कोण अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ वी ब्लॉक में इस वी ग्रूव के साथ साथ नीचे की ओर एक वी ग्रूव और होता है एवं उसका कोण 120 डिग्री होता है। इस वी ग्रूव का प्रयोग बड़े जॉब को सहारा देने में किया जाता है। वी ब्लॉक में जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए इस यू क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। इस यू क्लैंप में लगे स्क्रू को कसने पर जॉब वी ब्लॉक में मजबूती से पकड़ बना लेता है। यू क्लैंप की दोनों टांगों को वी ब्लॉक में फिट करने के लिए वी ब्लॉक की दोनों साइड पर दो आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। जब किसी लंबे या आयताकार जॉब को पकड़ना हो तो दो वी ब्लॉक की आवश्यकता होती है, इसलिए वी ब्लॉक अधिकतर पेयर्स यानी जोड़े में मिलते हैं। आइए अब जानते हैं वी ब्लॉक के प्रकार के बारे में। वी ब्लॉक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल लेबल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी ग्रूव होता है एवं यू क्लैंप को पकड़ने के लिए एक स्लॉट कटा होता है। दूसरा है सिंगल लेबल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी ग्रूव होता है एवं यू क्लैंप को फिट करने के लिए दो ग्रूव बने होते हैं। इन दो अलग अलग ग्रूव की सहायता से आवश्यकता अनुसार क्लैंप को एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरा है डबल लेबल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इस प्रकार के वी ब्लॉक में दो वी ग्रूव होते हैं एवं क्लैंप को फिट करने के लिए एक आयताकार स्लॉट कटा होता है। चौथा है मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। इस प्रकार के वी ब्लॉक हमेशा पेयर या जोड़े में मिलते हैं जिसमें दोनों ही वी ब्लॉक संरचना एवं साइज में एक समान होते हैं। इस प्रकार के वी ब्लॉक का उपयोग लंबे जॉब को सहारा देने में होता है। वी ब्लॉक मुख्यतः दो ग्रेड्स में उपलब्ध होते हैं, ग्रेड ए एवं ग्रेड बी। ग्रेड ए अधिक एक्यूरेट होते हैं एवं यह अच्छी क्वालिटी के इस्पात से बने होते हैं। वी ब्लॉक का साइज इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई से दर्शाते हैं। भारतीय मानक के अनुसार वी ब्लॉक की लंबाई 75 से 200 mm, चौड़ाई 50 से 100 mm एवं ऊंचाई भी 50 से 100 mm होती है।
उदाहरण के लिए यदि किसी वी ब्लॉक की साइज 75 × 75 × 50 mm है तो इसका अर्थ हुआ कि इस वी ब्लॉक की लंबाई एवं चौड़ाई 75 mm एवं ऊंचाई 50 mm है। मैच्ड पेयर के लिए साइज के साथ m लिखते हैं और यदि यह क्लैंप के साथ उपलब्ध है तो इसमें विद क्लैंप भी लिखा जाता है। आइए अब जानते हैं कि वी ब्लॉक का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहला तो कि वी ब्लॉक को प्रयोग करने से पहले एवं प्रयोग करने के बाद अच्छी तरह साफ करके रखना चाहिए। वी ब्लॉक को गिरने से बचाना चाहिए क्योंकि गिरने से वी ब्लॉक की एक्यूरेसी खराब हो सकती है। जिस समय वी ब्लॉक का प्रयोग ना हो रहा हो उस समय इस पर ऑयल एवं ग्रीस लगा के रखना चाहिए जो कि इसे जंग से बचाता है एवं इसकी एक्यूरेसी को खराब नहीं होने देता। अभी वीडियो में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए आप इन्हें जरूर याद रखें एवं इन्हें नोट कर लें क्योंकि एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां पर मैंने कुछ और वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।